ये देखिए, पिछले दिनों आपने हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको एक अद्भुत चमत्कारी बकरा दिखाया था जिसमें बकरा दूध देता है और आप सबने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, 55 लाख लोगों ने उसे देखा है। अब एक और चमत्कार हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी ये खोल रहा है, ये हॉट स्प्रिंग है और ऊपर देखिएगा, ऊपर बर्फ जमी हुई है और बर्फीले एरिया में चारों तरफ बर्फ है और बर्फीले एरिया में यहाँ पर पानी खोल रहा है। तो ये ताज्जुब है, प्रकृति का करिश्मा है और अद्भुत ये नजारा है। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तराखंड में हैं, हिमालय में हैं और यहाँ पर एक चमत्कार आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप चमत्कार आपको दिखाएं, उससे पहले इस बर्फ पर आप नजर करिएगा। बर्फ के बीच में हम हैं, भयंकर सर्दी यहाँ पर है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पानी उबल रहा है, एक हॉट स्प्रिंग है। थोड़ा और करीब आके दिखाइएगा। और यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं, कोई अंडे उबालता है तो कोई तमाम प्रकार के व्यंजन यहाँ पर लेकर आता है और इस गर्म पानी में उबालता है। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर भाप उड़ रही है और इतना खौलता पानी है कि अगर कोई हाथ डालेगा तो जल जाएगा। अंडे को थोड़ा उठाइएगा, दिखाइए कैसे उबल रहे हैं अंडे। ये देखिएगा पॉलीथीन में, पॉलीथीन है क्या है ये, कपड़े का बैग है जिसमें अंडे डाले गए हैं और यहाँ पर इस स्प्रिंग में ये अंडे उबाले जा रहे हैं। दोबारा से डाल दीजिए वरना ऐसा ना उबले ना वो। और चारों तरफ आप देखिएगा कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ ठंडी है, बर्फ जमी हुई है लेकिन इस एरिया में ये चमत्कार है। हॉट स्प्रिंग है जिसमें से गर्म गर्म पानी निकल रहा है और अगर किसी को सर्दी लगी हो तो यहाँ पर आकर एक प्रकार के हाथ भी सेक सकते हैं। ऐसे ही है, सेके अपने हाथ, बहुत ही गर्म पानी, हाथ सेकने लगे हाथ उबल जाएंगे, इतना गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी है। जैसा कि आप नीचे और थोड़ा दिखाइएगा अच्छे से कि कितना भयंकर पानी उबल रहा है और जब अंडे ये उबलेंगे तो ये अंडे भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से अंडे ये उबल रहे हैं और कितना भयंकर ये पानी गर्म होके निकल रहा है। और किसी को नहाना है अगर यहाँ आके तो यहाँ पर नहा भी सकता है। कामता जी, नहाने का मन हो रहा है दोबारा? नहीं, इतना पानी है कि मैं उबल जाऊंगा, नहाने लायक पानी नहीं, बहुत ज्यादा गर्म है, इतना हॉट है कि हम लोग हाथ ही नहीं डाल सकते हैं, हाथ ही नहीं डाल सकते हैं। और इसके पीछे क्या करिश्मा हो सकता है बता सकते हैं कुछ? प्राकृतिक का। अच्छा, हाथ, ये देखिए एक भाई है पर्यटक है यहाँ पर, वो हाथ डाल के आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, मतलब हाथ कोई डाल नहीं सकता है, ऊपर परत जो है जैसे ठंडा पानी है, ठंडे पानी को छू के डर लगता है, वैसे ही ये गर्म पानी है जिसको छू के डर लगता है। और हाथ थोड़े देर अगर एक सेकंड के या 10 सेकंड के लिए रहेगा तो हाथ जल जाएगा। और हम भी थोड़ा और करीब जाते हैं। कामता जी, आप तो यार ऐसी चीज़ों में थोड़ा और रोमांचित होते हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ पर नहाएंगे यार। अरे इतना गर्म पानी है, देखिए पानी है, बहुत बहुत भयंकर पानी है ये, देखिए। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे, ज्यादा हाथ जला नहीं लेना यार, ज्यादा एरिया भी ज्यादा नहीं है कि बहुत बड़े एरिया से ये हो रहा हो, लेकिन पता नहीं है इसके पीछे क्या हो सकता है। हो सकता है जैसे वोल्केनिक एरप्शन होता है कि धरती के नीचे जो धरती है ऊपर की परत ठंडी होती है, इसके लिए जो नीचे की परतें होती हैं वो गर्म होती हैं, तो उसी से रिलेटेड हो सकता है कि नीचे की जो चूना है, ये पत्थर है, चूने का पत्थर है। अच्छा, चूने की वजह से इतना गर्म है। नहीं, आपका लॉजिक जो है ना, आप इलॉजिकल हो रहे हैं इस बात पे। तो आप देखेंगे ज्यादा बड़ी ये स्प्रिंग नहीं है, बहुत छोटी सी स्प्रिंग है लेकिन बहुत गर्म पानी यहाँ से निकल रहा है, लगातार भाप निकल रही है। और सबसे बड़ी ताज्जुब, इसे क्यों हम मैजिकल कह रहे हैं, क्यों चमत्कारिक कह रहे हैं, क्योंकि जो जिस एरिया में ये स्प्रिंग स्थित है वो बड़ा ही ठंडा एरिया है, बहुत सर्दी यहाँ पर है, बर्फ भी जमी हुई है पहाड़ों पर हिमालय में, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में पानी है जो भयंकर उबल रहा है। और थोड़ा दिखाइएगा इस चट्टानों को, बहुत छोटा एरिया है लेकिन लगातार यहाँ पर पानी खोल रहा है और लोग बगाते हैं और कोई अंडे उबालता है और ये भाई जो हैं अंडे उबाल रहे हैं, उनके अंडे जैसे ही उबलते हैं हम छील के दिखाते हैं। और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर रुकते हैं और ये पर्वत को देखिएगा, कितने खूबसूरत पर्वत हैं। पास में एक गांव है जो गौरा देवी जी का गांव है, जो आंदोलनों से जुड़ी रही है पर्यावरण को बचाने के लिए। और यहाँ पर भी हम जब आए तो जब हमने सुना तो हम हैरान थे और यहाँ पर इस स्प्रिंग को देखकर और भी हैरान है, बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल की स्प्रिंग है। तो अगर आप यहाँ उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। जोशी मठ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग तपोवन से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये हॉट स्प्रिंग स्थित है। तो फिर से अब हम अपील करेंगे कि अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप सब हमारे वीडियोस को शेयर करिएगा, जनता का राज को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो करिएगा
और यूं हंसते मुस्कुराते रहिएगा हमें। ये देखिए ये हॉट स्प्रिंग है और करीब आप देखेंगे कितना खोलता है यहाँ पर पानी है, और हम लोगों को प्यास लगी है तो डिस्पोजल है, जिस डिस्पोजल में पानी निकालेंगे कुछ देर के लिए उसे ठंडा करेंगे, उसके बाद पियेंगे और देखते हैं ऐसा तो नहीं डिस्पोजल ही पिघल जाएगा। तो ये कितना भयंकर ये खोलता हुआ पानी है कामता जी, अभी गलती से भी ये पिएगा नहीं तो जीव और गला सब कुछ जल जाएगा। बहुत बहुत गर्म पानी है ये और बहुत भयंकर उबल रहा है ये, और यहाँ पर पटका भी एक लगी है लेकिन उसमें बताया नहीं गया है कि कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है, क्यों यहाँ पर ये पानी उबल रहा है। और पीछे जस्ट आप देखेंगे ताज्जुब करेंगे देखकर और कि पीछे कितनी भयंकर बर्फ है, बर्फीली चोटियाँ हैं, और यहाँ पर एक छोटे से स्थान में कितने भयंकर तरीके से पानी उबल रहा है आप देखेंगे। लगातार भयंकर जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि नीचे बहुत बड़ी भट्टी है, बहुत बड़ी भट्टी में बहुत सारी लकड़ियाँ जल रही हैं और उस भट्टी के ऊपर ये पानी उबल रहा है। गौर करेंगे आप किस तरीके से लगातार पानी उबल रहा है और उस पानी में अंडे उबल रहे हैं और किस तरीके से भाप लगातार उड़ रही है। हमारे कैमरे के कैमरे का जो लेंस है उस पर भी आ रही है, जिस वजह से हो सकता है विजुअल्स बीच बीच में धुंधले आए, लेकिन ये बहुत प्रकृति का चमत्कार है। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, बहुत खतरनाक भी है, और कई जगह ऐसे बाकी है पीने लायक है, पीजिएगा थोड़ा कामता जी। नहीं गिलास इतना गर्म है, गिलास इतना आप देख रहे हैं कितना पानी है या नीचे पकड़ने लायक ही नहीं, इतना गर्म पानी है, बहुत ज्यादा पीने लायक अभी नहीं है करीबन। तो बिल्कुल ये बहुत चमत्कार है, ये चमत्कार उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है जहां पर एक और बहुत भयंकर बर्फ जमी है और दूसरी ओर ये पानी खौल रहा है, जहां पर पर्यटक आते हैं इस चमत्कार को देखते हैं और देखकर रोमांचित होते हैं और अपने जानने वालों को भी इस चमत्कार के बारे में बताते हैं। और हम जनता का राज पर स्पेशल कवरेज आपके लिए कर रहे हैं और स्पेशल ये हॉट स्प्रिंग आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार पानी खौलता रहता है और सालों साल से ये पानी यूं ही खौल रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये खूबसूरत हॉट स्प्रिंग आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक बार पता एग्जैक्ट बता देते हैं कि ये जोशी मठ से कुछ किलोमीटर दूर तपोवन है, तपोवन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये हॉट स्प्रिंग है, और इस हॉट स्प्रिंग से हमारी नज़रें नहीं हट रही हैं और कैमरा भी लगातार इस हॉट स्प्रिंग को दिखाता रहेगा। नीचे से आइएगा, दिखाइएगा थोड़ा किस तरीके से एक पार्टिकुलर जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खौल रहा है, जहाँ पर खासतौर पर ये अंडे रखे गए हैं, और ओ अंडों के नीचे जो पत्थर है उस पत्थर के नीचे लगातार भयंकर तरीके से पानी खौल रहा है। उम्मीद है अंडे भी जल्दी उबलने वाले हैं। और थोड़ा इस तरफ आइएगा कि यहाँ चट्टानों पर भी यहाँ भी कुछ है, बिल्कुल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल एक वही जगह है जहाँ से ये पानी खोल के निकल रहा है और पर्यटकों के लिए एक चमत्कार है, हमारे लिए एक चमत्कार है।